तो गाइज यार ये है एक स्टिंग जो कि इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है और आप लोगों ने कभी ना कभी इस स्टिंग को तो पिया ही होगा। तो गाइज यार आज की इस वीडियो में हम बनाने की कोशिश करेंगे स्टिंग की मदद से एक स्टिंग स्लाइम जो कि देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग होगा और देखते हैं कि क्या हम इसकी मदद से एक स्टिंग स्लाइम बना पाते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं आपको इसे बनाने की प्रोसेस नहीं बताने वाला क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर ही एक स्लाइम बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो देखी नहीं तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से वहां पर एक मैग्नेटिक स्लाइम बनाकर दिखाया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस एक बॉटल से नहीं बल्कि ऐसी पूरी टोटल हमारे पास है यहाँ पर चार बॉटलें जो कि है 250 ml की एक बॉटल यानी कि टोटल चार बॉटल हो गई एक लीटर की। तो यहाँ हम एक लीटर के स्टिंग की मदद से एक स्लाइम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप फटाफट से स्लाइम बनाने के लिए सभी चीजों को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ 1 2 3। तो गाइज यार यहाँ पर जो है मैंने सभी चीजें ले ली, आप लोग देख सकते हैं जो स्लाइम बनाने के लिए हमें जरूरी है। तो अब डालते हैं इस स्टिंग को इस कंटेनर के अंदर। तो मैं फटाफट से जो है सभी स्टिंग को इसके अंदर डाल देता हूँ। गाइज यार यहाँ पर मैंने चारों स्टिंग को इसके अंदर डाल दिया है। अब ये हो चुकी है पूरी एक लीटर स्टिंग। तो अब बारी इसके अंदर डालने की इन ग्लू को। तो मैं फटाफट से सभी ग्लू को इसके अंदर डाल देता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से ग्लू इसमें डालता हूँ। तो गाइज यार यहाँ पर मैंने 6 से 7 बोतल जो ग्लू है इसके अंदर डाल दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरे 7 बोतल हमारे पास है और 7 बोतल ग्लू मैंने स्टिंग के अंदर डाल दिए। तो अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। तो मैं फटाफट से इसे मिक्स कर लेता हूँ इस तरीके से। तो गाइज यार यहाँ पर जो है अब मैंने ग्लू को पूरी अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं इस स्टिंग के अंदर जो है ग्लू पूरी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब बारी इसके अंदर इस स्लाइम एक्टिवेटर को डालने की। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इसे इसके अंदर डालता हूँ कुछ इस तरीके से। तो गाइज यार काफी सारा स्लाइम एक्टिवेटर हमें इसके अंदर डालना होगा क्योंकि हमारा जो स्लाइम है वो काफी ज्यादा बड़ा है। तो इसमें काफी सारा स्लाइम एक्टिवेटर डालना होगा। तो मैं डालता हूँ इसे इसके अंदर। तो गाइज यार इतना स्लाइम एक्टिवेटर काफी है। अभी इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा। तो मैं फटाफट से इसे मिक्स कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो गाइज यार काफी देर हो चुकी है इसे मिक्स करते करते लेकिन हमारा जो स्लाइम है वो बन नहीं पा रहा है और यहाँ पर जो स्लाइम एक्टिवेटर भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है लेकिन जो स्लाइम है वो नहीं बन पा रहा है, शायद ये फेल हो चुका है। लेकिन गाइज मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसके अंदर जो है स्लाइम एक्टिवेटर थोड़ा कम पड़ गया है तो इसकी वजह से जो ये बन नहीं पा रहा। अगर मैं थोड़े से चम्मच के अंदर थोड़ा सा ये लिक्विड लेता हूँ और इसके अंदर स्लाइम एक्टिवेटर डालता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। तो थोड़ा स्लाइम एक्टिवेटर इसके अंदर डालता हूँ और देखते हैं कि अब ये जो है इस स्लाइम में कन्वर्ट होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने पूरा स्लाइम इसके अंदर डाल दिया है, इसे अभी मिक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है स्लाइम में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर मैंने सही कहा था कि जो स्लाइम एक्टिवेटर है वही कम पड़ गया है इस पूरे सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर जो है देखिए आप लोग स्लाइम बन चुका है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो गाइस यार मैं इसे और अच्छी तरीके से मिक्स करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ स्लाइम को पूरी तरह से रेडी करके। तो गाइस यार यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो स्लाइम है वो बन चुका है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ स्लाइम एक्टिवेटर की कमी हो गई, स्लाइम एक्टिवेटर जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। शायद थोड़ा ज्यादा चाहिए था लेकिन अब मेरे पास इतना ही है। तो फिर अभी से यही एंड करते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो स्लाइम है वो बन चुका है कुछ इस तरीके से। ये रहा हमारा स्टिंग वाला स्लाइम। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पूरी तरह से स्लाइम बनाकर दिखाऊंगा इसी स्टिंग का। तो गाइज यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।